मांगे पूरी करो, हमारी 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 मांगे पूरी करो। सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, योजना सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो अभी करो, हमको परमानेंट करो, आज करो अब अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। क्या आज भी चौथे दिन आप लोगों की हड़ताल जारी है, तो क्या आप लोगों ने कुछ और आगे के लिए रणनीति बनाई है क्या? जी, प्रदेश संगठन के आह्वान पर हम ग्राम रोजगार सहायक एक सूत्री मांगों को लेकर आज चौथे दिन भी हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि यह गूंगी सरकार को जनता की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। उसी तरह हम कर्मचारी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। अतः अगर ये ऐसा ही सरकार का रवैया रहा तो हम आगे उग्र आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज चौथा दिन भी आप लोगों की हड़ताल जारी है, तो आगे क्या प्रदर्शन है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे सिर्फ एक ही मांग है हमारी, हम रोजगार सहायकों के कि हमको सरकार नियमित करे, और नियमितीकरण की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, बस शासन से ये आशा करते हैं। क्योंकि हमारे रोजगार सहायक संगठन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अधिक उम्र हो चुकी है, उनकी शादीशुदा लोग हैं जो आगे अपना कोई भविष्य नहीं बना सकते, बस इसी पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम सभी लोग कार्य में जुटे हैं। हाँ, है ना, इसलिए हड़ताल पे बैठे हैं। एक ही मांग है आप लोगों की? हाँ, बस एक ही मांग है, नियमितीकरण, बस शासन हमको नियमित कर दे बस। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीराम यादव। तो श्रीराम यादव जी, कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत चूड़िया से। हाँ, तो क्या परेशानी है आप लोगों को? सर, मैं ग्राम पंचायत चूड़िया से आया हूँ जनपद। पहले गया ग्राम पंचायत चूड़िया, तो पंचायत भवन बंद है, तो वहाँ पता लगा, सफाई कर्मी से फ़ोन पे बात की, उसने बताया कि सहायक सचिव हड़ताल पे है। तो फिर मैं जनपद आया, जनपद से पूछा सर से, सर सहायक सचिव क्यों हड़ताल पे? उन्होंने बताया कि कोई यहाँ देखा सर, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चली है सहायक सचिव की। मैं 3-4 दिन से परेशान हूँ सर। क्या परेशानी आपकी आ गई है? क्या सर परेशानी है? वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसके लिए सर 3 दिन हो गया लगातार कंटिन्यू चक्कर काट रहा हूँ मैं। पंचायत भवन जा रहा हूँ, वहाँ पंचायत भवन बंद है, जनपद आ रहा हूँ, जहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा, अधिकारी सर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा सहायक सचिव ही करेगा। तो वो भैया से मिला मैं आज, उन्होंने बोला भैया हम कलम बंद हड़ताल पे है, नहीं हम अभी काम नहीं कर सकते। तो सर अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और सर मैं नहीं, 2-4 लोग परेशान है, हमारे आईडी बनना जरूरी है, बच्चों की आईडी नहीं बनी, स्कूल में अर्जेंटली लग रही है। और कई का सर राशन कार्ड आ गया है, तो वो बनाना है अभी, तो वो उसमें भी लग रहा सर बहुत प्रॉब्लम। पंचायत की व्यवस्था पूरी ठप पड़ पूरी ठप पड़ गई है, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, और ये पता नहीं कब तक खुलेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है इनकी, सहायक सचिव रोजगार सहायक लोगों की। तो ये भैया मना कर रहा है सहायक सचिव।